हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वाले वीडियो मैंने यहीं पे ख़त्म की थी शकुंतला हॉकर्स वाली शॉपिंग की, और ये वाली वीडियो है एम बाज़ार की। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाकर ज़रूर देखें, बहुत अच्छी है। और हॉकर्स वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे दुर्गा के डिज़ाइन की ज्वेलरी और ब्लाउज वगैरह आ रखे हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। चलो ये वाली वीडियो शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पास पास में ही मॉल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो सामने पे हमें मेट्रो बाज़ार ही दिखा, तो हम इसी में चले गए थे। और हमने यहाँ पर बैग वगैरह जमा कर लिए थे, उसके बाद हमने एंट्री की। और इसके जो ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा लड़कों के ही कपड़े हैं। वैसे ज़्यादातर मॉलों में लेडीज़ के कपड़े होते हैं, लेकिन इन लोग को पता है कि अगर हमारे कपड़े नीचे ही मिल जाएंगे तो हम लोग बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े लेने के लिए दूसरे फ्लोर पर नहीं जाएंगे, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जेंट्स के कपड़े रखे हैं। फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चों के कपड़े भी ज़रूरी हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े मिल गए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में। अभी यहाँ पर दुर्गा पूजा की काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, तो दुकानों में और मॉल वगैरह में सभी जगह नया नया सामान आया है, और सामान पर मॉलों में तो काफ़ी ऑफर भी दे रहा है। इससे पहले मैंने विशाल मार्केट की वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आपको भी देखना है कि विशाल में क्या क्या सामान आया तो आप लोग एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कुर्तीज़ और पैंट प्लाजो वगैरह हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अभी अगरतला के मेरे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग का मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार और साथ बनाए रखना। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा मुझे एम बाज़ार का ये लगा कि यहाँ पर हमें साड़ी भी मिली, और यहाँ पर आसामीज ड्रेस, मणिपुरी और कॉटन साड़ी, मेखला, मतलब सारे कुछ यहाँ पर साड़ी वगैरह भी थे, इनकी काफ़ी वैरायटी थी। मैंने भी यहाँ से एक साड़ी ली और मैं वीडियो में नहीं बता पाई। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेडशीट, और बेडशीट में भी काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी क्वालिटी थी। बेडशीट देखने के बाद हम लोग यहाँ पर गए थे बच्चों की टी शर्ट वगैरह देखने के लिए। बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आ रखे थे और काफ़ी कलरफुल थे, तो हम लोग ने यहाँ पर लिए। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे ग्राउंड फ्लोर में। फ्रेंड्स, जो ये मेट्रो बाज़ार है, यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े का ही है, और यहाँ पर विशाल के जैसे नहीं है कि ग्रोसरी का सामान और बर्तन वगैरह किचन का सामान हमें मिले। यहाँ पर तो लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, डोर मैट, बेडशीट, पर्स, ऐसा ही सामान है। अभी हम लोग ने यहाँ पर बिल कटवा लिया था और हम घर जाने लगे थे, क्योंकि आज हमें 3-4 घंटे हो गए थे मार्केट में ही, और आज हम लोगों ने इतना घूमा कि मैं वो सारा एक ही ब्लॉग में आप लोग को नहीं बता पाई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जाते हुए हमें यहाँ पर जाम लग गया था। और ये जो सामने पे ये है सेरा वाले स्वीट्स, ये अगरतला का बहुत ही फेमस है, और इन लोग का रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस है यहाँ पर। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए ब्लॉग में।